2 अगस्त को हिमाचल सहित बिलासपुर जिला में 10वीं से जमा 2 के स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरा माइक्रो प्लान भी तैयार कर लिया है और स्कूल प्राध्यापकों को इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। बच्चों के सिटिंग प्लान से लेकर उनके आने जाने की सारी व्यवस्था का प्लान भी तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित एक बेंच छोड़कर बैठने की पूरी व्यवस्था का प्लान तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा उपनिदेशक बिलासपुर राजकुमार ने बताया कि कोविड काल से वैक्सीनेशन सेंटर में जिला के अधिकतर अध्यापक शिफ्ट वाइज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में अब स्कूल ओपन हो रहे हैं तो शिक्षा विभाग इन अध्यापकों को वापस बुलाने की कवायद तेज करने लगा है। उपनिदेशक ने बताया कि इस संदर्भ में उपायुक्त बिलासपुर का बतौर पत्र भी लिखा जा रहा है, जिसमें उपायुक्त से आग्रह किया गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर में ड्यूटी दे रहे अध्यापकों को वापस स्कूलों में भेजा जाए ताकि स्कूलों में अब नियमित तौर पर कक्षाएं शुरू हो सकें। जिला बिलासपुर में 10वीं कक्षा से लेकर जमा 2 कक्षा तक के 13,401 बच्चे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इनके बैठने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी एक चैलेंज की बात होगी। साथ ही अध्यापकों की बात करें तो 3,562 हाई सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इनकी तैनाती है, जो 2 अगस्त को नियमित तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। जानकारी के अनुसार जिला बिलासपुर के अधिकतर अध्यापकों की वैक्सीनेशन भी पूरी हो चुकी है। कुल 117 अध्यापक ही निजी व स्वास्थ्य कारणों के चलते अपनी वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए हैं, जिसके लिए इन अध्यापकों से भी शिक्षा विभाग ने जवाब मांगा हुआ है। उपनिदेशक ने यह भी साफ किया कि अगर किसी भी अध्यापक व बच्चे में कोई भी कोविड लक्षण पाए जाते हैं तो उसका तुरंत प्रभाव से स्कूल से छुट्टी दे दी जाएगी। हालांकि शुरुआती चरणों में स्कूल में आने वाले हर अध्यापक सहित बच्चे का शारीरिक तापमान यानी कि थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही उसे स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए बकायदा सभी स्कूलों ने अपनी ट्रेनिंग भी कर ली है और वैक्सीनेशन सेंटर में अध्यापकों द्वारा की गई ड्यूटी के चलते इसका फायदा स्कूल प्रशासन को भी मिलेगा। 2 तारीख से 10वीं 11वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थी जो है वो स्कूलों में आएंगे, उसके लिए विभाग के जैसे आदेश प्राप्त हुए हैं। 26 तारीख से हमारे सभी शिक्षक जो है वो स्कूल में आना शुरू हो गए हैं। माइक्रो प्लान सभी स्कूलों को आदेश हुए हैं और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है कि अलग अलग कमेटियाँ प्रॉपर तरीके से बने और SOP जो है वो जो स्कूलों को जारी हुए उसको प्रॉपरली जो है वो फॉलो किया जाए, ताकि बच्चों को जब भी हमारे पास उनकी एंट्री होती है और जब भी स्कूल से एग्जिट होता है तब बच्चे बिल्कुल सेफ और सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से, और आपस में उनका कहीं वायरस स्प्रेडिंग या कुछ, हाँ अगर कोई बच्चा या शिक्षक कोई पहले से बुखार या कोई खांसी जुकाम रहता है तो वो छुट्टी पे रहेंगे। ये आदेश जो है वो जारी SOP में ही जो है वो कर दिए गए हैं विभाग की तरफ से। हमारे 10वीं से 12वीं तक के 13,401 बच्चे जो है वो 2 तारीख से स्कूल जो है आएंगे। इसके अलावा लगभग 3,350 जो हमारे शिक्षक हैं, जिसमें कि CNV, TGT और लेक्चरर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो है वो स्कूल आना शुरू हो गए। हमारे लगभग 40 लेक्चरर और DP ऑलरेडी वैक्सीनेशन ड्यूटी पे हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के अंडर, तो हम सम्माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय से भी अभी लेटर के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी हमारे बच्चे स्कूल आना शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी, तो उनकी ड्यूटी या तो कम कर दी जाए या बिल्कुल ही उनको ड्यूटी से जो है वो एक्सक्यूज कर दिया जाए। इसके लिए हम जल्दी ही जो है वो आज या कल जो है वो लेटर डिप्टी कमिश्नर महोदय को लिखेंगे।